अपना दल यस की बैठक में पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, मैंने इस बात को प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में उठाया है। कहने को तो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन हकीकत में यह 14% है। जबकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 साल से सरकार है, कुछ ऐसा आरोप लगाया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। अगर आपको रुचि लेने की जरूरत है तो देश और प्रदेश की राजनीति में रुचि लेने की जरूरत है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। 27% आरक्षण आपको देश का संविधान देता है, लेकिन अगर वो लागू नहीं होता है तो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है। और आपको प्रदेश की सरकार के जो लोग आपके बीच वोट मांगने के लिए आते हैं, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि हमारा वोट लेकर तो जा रहे हो, पर क्या 14% को 27% बनाने में तुम्हारा कोई योगदान होने वाला है? ये इस देश के हालात हैं। देश की न्यायपालिका इस देश के लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है, लेकिन फिर भी न्यायाधीशों के पद पर दलितों, पिछड़ों, कमेरों की भागीदारी नगण्य है, शून्य है। इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? इसके लिए आवाज आपको ही उठाने की जरूरत है। हम सब आपके बीच यही कहने के लिए आए हैं कि आज जरूरत है कि इस देश में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो, आज इस देश के अंदर भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो। आए दिन कोर्ट फैसले देती है और ये फैसले अक्सर पिछड़ों और दलितों के खिलाफ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि न्यायाधीश की कुर्सी पर आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बेटी नहीं बैठा हुआ। न्यायाधीशों की कुर्सी पर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कोई शोषित, वंचित नहीं बैठा हुआ। इसलिए हमें दूसरी आजादी के संघर्ष की जरूरत है, और ये दूसरी आजादी इस देश की उस व्यवस्था से आजादी है जो समाज के अंदर गैर बराबरी और असमानता को जन्म देती है।